हेलो फ्रेंड्स, राठौड़ की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हमारे पास है 12 इंच का सबवूफर, देख सकते हैं। तो इसका बेसिकली हम रिपेयरिंग करने वाले हैं, देख सकते हैं। ये है 12 इंच का सबवूफर, इसका रिपेयरिंग करने वाले हैं इसमें, और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसको चिपकाते हैं। तो हमने लिए यहाँ पे बोन टाइट, देख सकते हैं, जैसे कि ये बोन टाइट है। आप इसकी जगह एयरलाइट भी ले सकते हैं। इससे जो हम पर्दे को चिपकाने वाले हैं तो बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा पर्दा जो है इसका। तो देख सकते हैं, जैसे कि ये सबवूफर है यहाँ पे, और बोन टाइट को हम मिक्स कर लेते हैं और फटाफट से इसको चिपकाते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इन दोनों ट्यूब को जो है हम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं बोन टाइट है। इसके अंदर दो ट्यूब होता है, दोनों को हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है, पत्थर हो जाता है ये सूखने के बाद। इसको कहीं भी मिक्स कर सकते हैं। मैं ये परफ्यूम का बोतल है, इसके ऊपर जो मिक्स करूँगा, ये थोड़ा हार्ड होता है। तो यहाँ पर हम दोनों ट्यूब को जो मिक्स कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको किसी चीज़ की मदद से, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको जो है मिक्स कर लेंगे आराम से। मिक्स हो जाने के बाद जो है इसको सिंपली हम इस पर्दे के ऊपर जो है अप्लाई कर देंगे। तो बोन जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कुछ जुगाड़ इसके अंदर लगाएंगे, जिससे कि पर्दा का जो है सेंटर सीख ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो है इसके नीचे एक पेपर लगा दिया, जिससे कि एयर लाइट जो हम लगाएंगे वो लीक ना करे। देख सकते हैं यहाँ पेपर लगा दिया, उसके नीचे दो इस तरह की जो बोतल है वो हमने लगा दिया है, जिससे पर्दे का जो सेंटर जो है बिल्कुल एक्यूरेसी रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ जो है हमने छोटा सा एक पेपर और लगाया है, और यहाँ पे भी हमने पेपर लगा रखा है पूरे में, जिससे कि ये लीक ना करे। लीक करेगा तो सारा नीचे जो है बोतल भी चिपक जाएगा इसके साथ। और ऊपर की तरफ से जो हमने यहाँ पे बोन लगा दिया, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बोन जो अप्लाई कर देना है इस पर, और बिल्कुल काफ़ी ईजी तरीका है। देख सकते हैं हमने बोन जो अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। तो अभी इसको जो है सूखने में टाइम लगेगा, ये अभी गीला ही है, देख सकते हैं अभी गीला ही है बोन। तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। बोतल लगाने की वजह से सपोर्ट मिल गया इसको, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ऊपर तरफ थोड़ा निकला हुआ है। जैसे हम बोतल हटाएंगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो सूखने वाला जो है हम इसका बोतल जो है यहाँ से हटा देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है फिक्स हो चुका है यहाँ पे, और ये रिपेयर हो चुका है। अब इसके आने वाले वीडियो में जो है हम साउंड चेक भी करने वाले हैं इसके ऊपर जो है, और भी वीडियो एक्सपेरिमेंट करेंगे और बनाएंगे। तो जैसे देख सकते हैं ये जो पुराना सबवूफर है, कुछ इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्दा अगर चेंज करते हैं तो ओरिजिनल फिटमेंट जो है इसका खत्म हो जाता है। और जो बाहर से आप पर्दा चेंज करवाते हैं तो तरीके से फिट होता नहीं है, जो कंपनी से फिट हो गया आता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप जो है इस पर्दे को बचा सकते हैं। और कुछ इस तरीके का एक कोन जो है, कोन अभी सही है, कोन अभी ख़राब नहीं हुआ है, ये पर्दा ही खड़ा था यहाँ से, देख सकते हैं। और हमारे पास जो है रेडियो, ये जो है इसके ऊपर जो है आने वाले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर सोनी वाले जो है रेडियो है, इससे हम चला के देखेंगे इसको क्या चलता है नहीं चलता है। तो आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिस सबसे मिलती रहे। मैं कोशिश करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे पास और भी थोड़े काम होते हैं। तो आपको जैसे पता है मैं फुल टाइम में जो है कारों का जो है थोड़ा बहुत जो है काम मैं करता हूँ, और पार्ट टाइम में जो है ये काम करता हूँ, तो इसलिए मैं जो है इस तरीके से वीडियो आपके लिए बना पाता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे कि ये वायरिंग जो है मैंने कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है, पर अभी इसको चला नहीं सकते, क्योंकि अभी ये गीला है। अभी सूखने के बाद जो है हम इसको चेक करने वाले हैं।